सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमने 1 किलो आम ले लिए हैं मुरब्बा बनाने के लिए। अब हमने इनको 2 दिन पानी में भिगोया है। अब हम इन्हें फोक्स की मदद से इनमें छेद करेंगे और उसके बाद हम इन्हें फिटकरी के पानी में भिगो देंगे। इस तरह से हम फोक्स की मदद से इनमें छेद कर देंगे। छेद अंदर तक पहुंचने चाहिए ऐसे। इस तरह से सभी आंवलों में हम छेद कर देंगे और फिर इन्हें हम फिटकरी के पानी में भिगो देंगे 2 दिन के लिए। ये फोक्स है, इसकी मदद से या कोई और भी आप कुछ और भी ले सकते हैं जिससे इसमें अंदर तक चारों तरफ से घुमा घुमा के इसमें फोक्स की मदद से छेद करें और फिर हम इन्हें फिटकरी के पानी में 2 दिन भिगो देंगे। इस तरह से हम सभी आंवलों में कर लेंगे और इनको 2 दिन के लिए फिटकरी के पानी में भिगो देंगे। हमने आंवलों को उबाल कर इसमें 1.25 किलो चीनी डाल दी। 1 किलो आंवलों में हल्का सा उबाला है, बहुत ही हल्का सा उबाल दे के इसमें चीनी डाल के रख दी है। जब चीनी घुल जाएगी तब हम मुरब्बा बनाएंगे। चीनी घुल चुकी है। हमने गैस को जलाकर उस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें आंवले डाल लिए। चीनी का पानी हो चुका है। 1 दिन के लिए जो हमने चीनी डालकर आंवलों में रखी थी, इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीनी खुद पानी छोड़ दिया। चीनी अब हम इसे पकाएंगे। आंवला इस अवस्था में आ गया है। अब इसमें 1 तार की चाशनी बन गई है। अब हमें 3 तार की बनानी है। हम थोड़ा सा और इसको पकाया है। आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार है। अब हम इसे 1 दिन बाद इसको रख देंगे और 1 दिन बाद इसको हम 1 उबाल देंगे। इसका जो ये रसा है ये शहद की तरह गाढ़ा होना चाहिए। अगले दिन हमने आंवलों को गैस पे रख दिया है 1 उबाल देने के लिए। आंवले के सेवन से सर्दी खांसी जुखाम आदि में राहत मिलती है। आंवले से पाए जाने वाले कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। जोड़ों की बीमारियों में राहत मिलती है। कैंसर विरोधी है। बालों को झड़ने से बचाता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। आंवलों से हमें जूस, चूर्ण, गोली, मुरब्बा, चटनी, अचार, जैम आदि सब चीज़ हम बना लेते हैं इनसे। दूसरे दिन हमने इसको गैस पे रखा है। 1 उबाल आने के बाद आंवला तैयार हो जाएगा। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। आंवलों से हमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, इसीलिए आंवला बहुत ही गुणकारी है। मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको गैस पे से नीचे उतार लिया है और हम इसको एक कांच के जार में भरकर रख देंगे और अब हम इसको किसी प्लेट में सर्व करेंगे। आंवले को हमने जार में भर लिया है और प्लेट में हम इसको सर्व करेंगे।